हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस देखिए, मैं जो भी जब भी वीडियो बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ वीडियो का लेंथ कम रहे और ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे सकूँ। जो भी मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहता है, डेली ब्लॉग्स के अलावा जो वीडियो रहता है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कम टाइम में जैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग करते हो, क्या क्या शॉपिंग करें। कहीं ना कहीं मन में बहुत सारा डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। मैं तो अपना बात शेयर करती हूँ कि डिलीवरी 1 महीना से पहले क्या हमेशा फर्स्ट क्राई एप्लीकेशन में जाते, बहुत कुछ कार्ट में सेव करके रखी थी। मतलब डर लगता था, अरे इतना जल्दी नहीं करूँगी, क्योंकि घर पे भी बोलते हैं डिलीवरी से पहले नहीं करते हैं करके, जिसके वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा लगता था, अरे पहले से नहीं करूँगी, पहले से नहीं करूँगी। बहुत सारा प्रोडक्ट जो है मैं कार्ट में सेव करके रखी थी, तो आज वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आपको क्या क्या सेव करके रखना चाहिए। देखिए, पहले आपको तो ड्रेस खरीद लेना चाहिए, हॉस्पिटल में हो सकता है दें, कहीं पर देते हैं कहीं पर नहीं भी देते हैं। आप ड्रेस खरीद ले, कुछ दिखाते थे फॉर एग्जांपल के लिए, ऐसा अगर गर्मी है तो आप ऐसा खरीदे, फ्रंट ओपन, और ये कॉटन का ही है, बेबी वेयर का है, तो फर्स्ट क्लास से ऐसा ड्रेस खरीद लीजिए। और एक जो है स्वेडल चाहिए, स्वेडल जो होता है, स्वेडल आप लोगों को पता होगा, मैं दिखा नहीं पाऊँगी, आदिति हो रही है निकालने से, वो उठ जाएगी। तो आप स्वेडल खरीद लीजिए, 3 पीस पैक ऑफ 3 आता है, उसको एक खरीद लीजिए। स्वेडल हो गया, ड्रेस हो गया, और जैसे आप लोगों को पता है डायपर तो चाहिए ही चाहिए, और वाइप्स वो भी चाहिए, और हाँ बेड जो बिस्तर आता है गद्दा, उसको अगर आप खरीदते हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं। जैसे मैं तो खरीदी थी, आदिति का अभी यूज हो रहा है, जैसे उसका जो कैरी बैग आता है ना, चेन लगाने वाला जो सिस्टम, उसको मैं खरीदी थी। उसमें 3 महीना उसका निकल गया, 2.5 महीना निकल गया आराम से। उसमें वो सो जाती थी, क्योंकि उसका वेट भी थोड़ा सा कम था, 2.5 किलो था, तो उसमें वो सो जाती थी। तो अगर आप उसको खरीदते हैं तो 2.5 महीना तक और कुछ नहीं लगेगा, मेरा वो 2.5 महीना यूज हुआ। वो यूज हो जाता है, बाहर जाने से लेके जा सकते हैं, घर पे भी सुला सकते हैं। वो मेरा 2 टाइप का यूज हुआ। और एक मस्क्यूटो नेट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्क्यूटो नेट भी आप खरीद लीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है मस्क्यूटो नेट। मेरा तो 2 दिन लेट हो गया, उसके लिए मुझे फिर एक सस्ता वाला ला के 2 दिन के लिए ली थी, फिर जब जो ऑर्डर की थी वो आया, फिर उसको रख दी, क्योंकि वो पहले आपको ख़रीदना है मस्क्यूटो नेट। देन आप एक बाथ टॉवल भी खरीद सकते हैं, बाथ के बाद रैप करने के लिए जैसे टॉवल होता है, उसको भी खरीद सकते हैं। और आप पिलो भी ले लीजिए, अगर आप पिलो लेंगे तो मैं तो सजेस्ट करूँगी राई पिलो लेने के लिए। ये राई पिलो है, ये मुझे सही लगता है, ये ले लीजिए। और होता है लंगोट, उसको भी रख लीजिए। कुछ हमेशा तो डायपर पहना नहीं पाओगे, सुबह में आप डाल दीजिए लंगोट पहनाने के लिए, फिर शाम में डायपर पहनाने के लिए। ये हो गया। और क्या चाहिए, जैसे मुझे और क्या ज़रूरत हुई थी उस टाइम, हाँ, और को बेबी रैशेस क्रीम और बेबी का फेस क्रीम हो गया, और ये हो गया, मतलब पाउडर हो गया, काजल हो गया, और एक कोम्ब भी चाहिए हेयर को ये करने के लिए, कोम भी चाहिए, उसको भी ले सकते हैं। ये सब मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं ये सब ऑर्डर करती थी। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा ये सब बाद में खरीदने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए था, हाँ, और अब नेल, हाँ, और नेल सीजर ले सकते हैं। बेबी का नेल जो है हमेशा जल्दी ग्रो हो जाता है, तो उसके लिए एक सीजर आता है, फर्स्ट टाइम में आप लोग चेक कर लीजिएगा सीजर, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। मेरा तो वही यूज हो रहा है दोनों के लिए, हैंड्स के लिए भी, आदिति के लिए भी, अब उसको यूज़ कीजिए, वो बहुत बेटर होता है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए, देखिए इसके अलावा और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ड्राई सीट। आप वो ड्राई सीट उसको भी ले लीजिए, वो मैं लव लैप का ली थी, लव लैप का पैक ऑफ 3 था, तो
तो उसको भी आप ले लीजिए, वो भी बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि जब भी आप डायपर चेंज करोगे तो एक चाहिए कुछ नीचे डाल के चेंज करने के लिए। बस इतना जो है ज़रूरी था। इसके अलावा और तो बहुत कुछ है। अगर आप बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए बैठोगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, तो पहले आप जो ज़रूरी है वो कुछ मंगा लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके अब ऑर्डर करेंगे। जैसे मैं क्या की थी, आदिति के टर्म में पहले से बहुत कुछ ऑर्डर करती थी, फिर बाद में लगा कि अरे इसको ना ऑर्डर करते तो अच्छा होता। इसका ड्रेस जो था फ्रंट ओपन वाला होता है इन न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ऐसा नहीं होता लड़का लड़की का कुछ, तो उसको मैं मिनिमम जो है 15 to 20 पीस ऑर्डर की थी, जो ऐसा अभी भी बहुत सारा ड्रेस है जो पहनी नहीं है, छोटा हो गया है। और हाँ, ऐसे जैसे ये वाला हुआ, ये मैं ऑर्डर की थी, उस टाइम तो था विंटर था ना, विंटर में ये तो पहना नहीं जाएगा, फिर भी मैं इसको ऑर्डर कर दी, लेकिन फ्रंट ओपन सोच के फिर वो पहना नहीं गया। हाँ, और एक चीज़ है, साइज़ तो प्रीमी है लेकिन थोड़ा बड़ा ही है, अभी उसको हो जा रहा है, तो अभी जो है गर्मी में कुछ दिन ये तो यूज हो जाएगा, 15-20 दिन, अब 1 महीना तक हो सकता है, 15-20 दिन तो इसको पहन ही लेगी। तो इसके अलावा हाँ, आप लंगोट यूज़ कर सकते हैं, उसका जो पैंट आता है, अभी तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, ऐसा वाला लंगोट भी आता है यहाँ पे, जो ये रहता है इसको इसको ऐसे करके यहाँ पे आप आराम से चिपका दीजिएगा। ये था जब न्यू बॉर्न बेबी के लिए था, तब मैं ऑर्डर की थी, अभी इसको नहीं आ रहा है, इसको चिपका दीजिए, बस हो गया, चिपक के ये रहा, ऐसे आप पहना सकते हैं ये वाला। इसमें क्या होगा, जो पॉटी करती है तो बाहर नहीं आता है, इसका अंदर में ही रहता है, ये इसलिए मैं लंगोट पहनाती हूँ कि पॉटी करने से बाहर नहीं आता है, सब अंदर में रहता है। और इसके अलावा हाँ, और एक चीज़ मैं ऑर्डर की थी, ये वाला कॉटन का ब्लैंकेट जैसा ही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पूरा जैसे ये होता है ना स्वेडल होता है, मुस्लिन का, हाँ मुस्लिन का कॉटन का वैसे ही है, इसको मैं ऑर्डर की थी, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं पे जाए तो उसको रैप करके इस पे ले सकते हैं, इसको बिछा के सुला सकते हैं। मुझे तो हमेशा एक चीज़ ज़रूरत होता था, जैसे उसको पकड़ के मतलब फिटिंग करवाने के लिए कहीं पे लेके जाओ तो इधर उधर ये रूम से वो रूम, मैं ऐसे नहीं पकड़ती थी, अभी भी ऐसे पकड़ने में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, कभी भी जो बच्चा होता है ना, जो 6 मंथ वीलो बेबी, तो मैं हमेशा कुछ पहले रखती हूँ कपड़ा वगैरह, उसके बाद ही उसको गोदी में लेती हूँ, तो ये मेरा बहुत काम का चीज़ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे क्या, जब आप ऑर्डर करने जाओगे ना तो धीरे धीरे आपको पता भी चल जाता है बेबी के लिए और क्या चाहिए करके, जो बेसिक चीज़ है वो मैं बता दी। हाँ, और एक चीज़ था, रुमाल था जो, हाँ रुमाल होता है छोटा छोटा, मैं दिखा देती हूँ, ये बैग है ये वाला, ऐसा करके मैं, ये कितना होता है, पैकअप 6 होता है ना, मैं कितना ऑर्डर की थी, 6, 12, 18 पीस में ऑर्डर की थी, अभी भी उसका यही चल रहा है, जैसे मुंह पोछने के लिए जब वॉमिटिंग हो जाता है, थोड़ा आँख से पानी वगैरह जो भी आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है यूज़ करने के लिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, और एक चीज़ होता है, आप वो ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर सकते हैं और बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ब्रेस्ट पम्प बोतल उस टाइम ऑर्डर नहीं की थी, मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरत होगा तो मैं बाद में ऑर्डर की। अगर आप बोतल का आदत नहीं बोतल का आदत नहीं करवाना चाहती हो, तो फिर आपको कटोरा और एक चम्मच ये लेके जाना है, और वहाँ पे तो आपको मिल ही जाता है दूध जो होता है डब्बा वाला मिल्क, आपको मिल जाता है, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपको वही ख़रीदना है। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप बोतल का आदत कराते हो, बाद में क्या होता है, बेबी फिर ब्रेस्ट मिल्क लेना छोड़ देता है, ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे बंद होने लगता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हो तो फिर ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी बंद हो जाता है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं तो 2 बोतल ऑर्डर की थी, लव लाभ का था, अच्छा ही है, फर्स्ट ट्राई से की थी, और ब्रेस्ट पम्प ज़रूरत हो सकता है कभी कभी, वो भी मैं लव लाभ का ही ऑर्डर की थी, उसको भी आप
पहले से खरीद सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ट्राई कीजिए कि कटोरा और चम्मच में, जो जब जब तक आपका मिल्क नहीं आता है तब तक कटोरा चम्मच में देने के लिए, क्योंकि अगर एक बार आदत हो जाता है बोतल का, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको छुड़ाना और ब्रेस्ट मिल्क का आदत करना। और मैं तो टाइप इसका जो है वाइप्स जो है मिमी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिर्फ तो ये पोछना ही रहता है, मदर्स फर्स का थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए मैं मिमी का ही यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ा सस्ता होता है। अदरवाइज जब बेबी हक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सस्ता होता है। कभी तो मैं बेबी हक का यूज़ नहीं की हूँ, ना ही ऑर्डर की हूँ, हो सकता है अच्छा हो, लेकिन मिमी का मुझे कंफर्टेबल लगता है। मैं पैक ऑफ 5 रहता है, उसी को एक बार खरीदी थी, वो 5 पैक ख़त्म हो गया, अभी फिर से ऑर्डर की थी पैक ऑफ 5 वाला। तो आप उसको यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कोई उसमें इशू नहीं है। बस इतना ही था जो मुझे ज़रूरी लगा कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर की। तो प्लीज़ अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।